इकट्ठे हो गए, क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगा कि ये मतलब अच्छा नहीं है मुल्क के लिए, आप अपने आप पेड़ पत्ते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं। गरीब चाहते जिनके लिए जिन्होंने वोट दिए, गरीबों ने कहा हमारा कुछ सुनी जाए, किसान है वो, दूसरे जो गरीब आम मजदूर है बेचारे, कहते कि चलो थोड़ा बहुत महंगाई तो कम हो। महंगाई हमने इमरान खान को इसलिए वोट दिए थे, तब्दीली आएगी। ये कैसी तब्दीली है? ये तब्दीली महंगाई की और कैसे नहीं करेगा सही कर, ये मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इमरान के वो भी अच्छे है, दूसरे भी अच्छे थे अपनी जगह, सिर्फ ये है कि जो गरीब सारे हैं वो इसलिए लाए थे कि चलो इसको आजमाते हैं कि ये अब मुल्क में कम करे महंगाई, चीजें सस्ती हो। महंगाई इतनी है, रातों रात सबकी तनख्वाहें डबल कर दी है, गरीब आदमी मरे तो मरे, जिसकी 1 लाख है उसकी 4 लाख तनख्वाह कर दी है, 5 लाख तनख्वाह कर दी है। आप ये बताएगा कि आवाम ने उम्मीदें क्या व्यवस्था की हुई थी खान साहब से? उम्मीदें तो वही की थी कि हमारी मतलब चीजें कम हो, महंगाई कम हो, हम भी खुशहाल हो, यही उन्होंने किया था ना। अब नहीं हो रहा तो बेचारे रो रहे हैं ना, गैस का नहीं मतलब नीचे आ रही, वो भी ऊपर ही हर महीने मिनी ये बजट तो तीसरा है, ये क्या 6 महीने में तीसरा बजट आ गया। आप आपसे कोई अपील करना चाहेंगी? हाँ मैं इंशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ आपका बेटा है उसको समझती हूँ, बेटा इमरान आप लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आप ऐसे करें कि चीजें नीचे लाए, इसलिए कि दुनिया आपके खिलाफ हो रही है। देखे ना, अगर दुनिया आपके साथ होगी तो आगे भी आएंगे आप। पांच साहब ये बताएगा कि आज वज़रा और जितने भी हैं मतलब स्पीकर और डेप्टी स्पीकर साहब की, उन सबकी तनख्वाहों में इजाफा करिए, लाखों रुपए का इजाफा किया, अवामी मिसाल हल